अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सहकारी समितियों के कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन के तहत गुरुवार को भी बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन करते रहे। हड़ताली कर्मचारियों ने बताया कि जिले की समस्त सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारी अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर 8 फरवरी से हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल शाजापुर जिला मुख्यालय पर 17 फरवरी तक जारी रहेगी। इसके बाद 18 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। कर्मचारियों ने बताया कि उनकी सरकार से मांग है कि सहकारी समितियों के प्रभारी प्रबंधक सहायक प्रबंधक विक्रेताओं लेखापाल लिपिक कंप्यूटर ऑपरेटर भत्ते चौकीदार को शासकीय कर्मचारी घोषित कर मध्य प्रदेश सरकार के वेतन भत्ते बीमा एवं अन्य सुविधा का लाभ दिया जाए। हम सब हमारी मांगे कर्मचारी एकता बिन साकार। आज हमारे हड़ताल का चौथा दिन है। हम 17 तक जिले में बैठेंगे और 18 को भोपाल सीएम हाउस का घेराव करेंगे। किन कारणों को लेकर आपने हड़ताल की? वही हमारी वेतनमान नियमितीकरण, वेतनमान, जीपीएस भविष्य निधि कटे और हमारी जो विगत 3 वर्ष से कमीशन नहीं मिला खरीदी का और पीडीएस का, उसकी मांगे रहेगा। कड़ा कदम यही कि भोपाल जाकर चक्का जाम करना, सीएम का घेराव और अपना इस्तीफा सौंपना सभी पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का।